पंजाब की 12 करोड़ आवाम ने बड़ा वाजे मैंडेट जो है वो पंजाब में भी इमरान खान को दिया। रजीम चेंज साजिश आपकी पाकिस्तान में जो हुई उसका फायदा लोगों को पता चल गया, चोरियां माफ करा के NRO 2 लेके ये सारी PDM को हो गया, नुकसान आवाम का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, और अब आपको मजीद मुल्क का जो है वो नुकसान नहीं करने देंगे। और मैं ये इनको खबरदार कर रहा हूँ, किसी किस्म का भी कोई गैर आइनी इजलास गवर्नर तलब नहीं कर सकता जब तक पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा हो। स्पीकर की रूलिंग जो है वो इस हवाले से बड़ी वाजे है, आपने अदम एतमाद जमा करवाई है ना, अब 186 अराकीन पूरे करें, करवा लें अदम एतमाद कामयाब, वरना अपनी बात के ऊपर कायम रहे, जूते उतार के दुम दबा के भागे ना। किसी जगह से कोई डोरियां हलाना चाहता है, को बैठ के कोई एडवेंचर करना चाहता है, तो वो मुल्क का फायदा नहीं कर रहा, मुल्क का नुकसान कर रहा है। इस मुल्क के अंदर वाहिद स्टेबिलिटी का इस्तेकाम का एक ही रास्ता है, वो है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। ना इनकी मईशत पे तवज्जो है, ना इनकी बॉर्डर के ऊपर टेंशन के ऊपर कोई तवज्जो है, एक ही तवज्जो है इमरान खान को नाहल कैसे करना है, इमरान खान के जो है वो किरदार कुशी कैसे करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहेंगे या नहीं? नाज़रीन, पंजाब असम्बली टूटेगी या नहीं, ये आज के अहम सवाल हैं। असम्बलियाँ टूटने से पहले संगीन सियासी और आइनी बहरान देखने में आ रहा है। अगले 4 से 5 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। गवर्नर वलीउर रहमान साहब और स्पीकर पंजाब असम्बली सबतैन खान साहब आमने सामने हैं। गवर्नर पंजाब ने आज शाम 4 बजे परवेज़ इलाही को वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास के लिए बुलाया था, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर आइनी करार देते हुए जुमा तक इजलास मुलतवी करने की रूलिंग दी है। स्पीकर के इकदाम से पंजाब में एक बार फिर आइनी बहरान पैदा हो चुका है और मामला दोबारा अदालतों में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस आइनी बहरान पर कानूनी माहिरीन की आरा भी नजर आ रही है। कुछ माहिरीन का ये कहना है कि गवर्नर के अहकाम आइन के आर्टिकल 54 की शिक 3 और आर्टिकल 127 के मुताबिक नहीं है। ऐवान का इजलास 23 अक्टूबर 2022 से जारी है और आर्टिकल 54 की शिक 3 और आर्टिकल 127 के तहत मौजूद जो मौजूदा इजलास है ख़त्म होने तक कोई नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इसके साथ मियाँ मंजूर अहमद वटू बामुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस का भी हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए 10 दिन का वक्त देना ज़रूरी है जो गवर्नर के हुक्म में मौजूद नहीं है। मगर बाज़ कानूनी माहिरीन का ये भी ख्याल है कि 18वीं तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 130 की ज़ेली शिक है 7 जिसमें वक्त का तायुन नहीं किया गया। ताहम गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो एक माकूल वक्त का तायुन करके उसके अंदर वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का कहे। अगर वज़ीर आला मुकर्रर वक्त में एतमाद का वोट नहीं लेते तो ये समझा जाएगा कि वज़ीर आला ऐवान और अपनी नशिस्त का एतमाद खो चुके हैं, जिसके बाद गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकता है। आज एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल होगा कि एतमाद और अदम एतमाद का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्या चौधरी परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला रहेंगे या नहीं? अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज़ खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर मुशफी साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नवीद हुसैन साहब आज हमारे रेगुलर पैनल का हिस्सा है, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। अब आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि आज सारा दिन ट्रांसमिशन चलती रही और आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, छाए रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट के लिए जिस तरह वज़ीर आला को कहा, लेकिन अब स्पीकर पंजाब असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद के लिए जुमे को इजलास तलब किया है। सियासी बहरान के साथ साथ एक आइनी बहरान भी पैदा हो चुका है। परवेज़ इलाही और पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अब सदर को भी ख़त लिखने की बातें हो रही हैं। अभी फवाद चौधरी साहब और हमाद अज़हर साहब भी जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि कल शाम 5 बजे असम्बली के बाहर हमारे तमाम अरकान जमा होंगे और अब हम वो नहीं होने देंगे, हम किसी किस्म की धमकियों से किसी डरेंगे नहीं बल्कि सामने होंगे और एक बड़ा इज्तमा कल गवर्नर हाउस के सामने भी करने जा रहे हैं। जाहिर है सिचुएशन तो बड़ी गंभीर से लग रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पंजाब असम्बली और परवेज़ इलाही साहब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आपके मुताबिक? परवेज़ इलाही साहब शायद आर्ट क्लब में हों, क्योंकि उसने मुन्ना सिलाई ने ट्वीट किया था ना, मैं बैठा हूँ, राना सनाउल्ला साहब बंद कर लें, या अपने घर पे होंगे और कहाँ होंगे परवेज़ इलाही साहब? ज़ाहिर है उन्हें दो ही जगह पे होना चाहिए, ज़मान पार्क तो वो है नहीं। और अभी आपने चुके ताज़ा दम दस्ते के फर्रुख साहब की फैसलाबाद वालों की सुनाई हमें, छोटे वज़ीर होते थे वज़ीर मुमलिकत, कि आपको चाहिए था फवाद चौधरी साहब की, बड़े वज़ीर जो थे उनकी सनाते जहाँ पे शिकस्त खुर्दा चेहरे आवाज़ साथ नहीं दे रही थी अमाद अज़हर का भी। चुके मैं तो वो मंज़र बताऊँगा ना जो मैंने देखा, क्योंकि
फ़ारूख अभी बड़े फ्रेश थे और फवाद चौधरी और हमाद अज़हर बिल्कुल मुंह लटके हुए थे, गुफ्तगू में उनकी वो उत्तरमखानी थी नहीं। वो मतलब कहते कि हम अरेस्ट करने लगे इन सारे वजीरों को, सिंध वालों को, ये आए हैं अब करप्शन करने के लिए। वो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इनको पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाएं। भाई हुकूमत तो आपकी है, तड़ियाँ छड़ियाँ तो आप लगाते हैं सबके ऊपर इस मामले पर, तो आज आप इतने ढीले ढीले क्यों थे? मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी, इनको तो बड़े फुल टाइम देखें, जब तक डी नोटिफाई नहीं होते और ये आप फाइट करना चाह रहे हैं या कल इस जो डी नोटिफिकेशन की तैयारियां हैं उसके बाद एक मुजाहरा प्लान कर रहे हैं कि जी गवर्नर हाउस के सामने करेंगे, लिबर्टी चौक में तो आपसे करना हुआ भाई, आपको तो बिल्कुल पता है और किसी को था कि नहीं। तो अब आपको बता रहा हूं कि जो 1000 बंदा तो ये लिबर्टी चौक में इकट्ठा नहीं कर सके, वहां पे ट्रैफिक चल रही थी, 500-600 बंदा था। ये किस कब तक आजमाएंगे लोगों को आजमाइशों में कि जनाब आपने करना कुछ है नहीं, तारीखें देनी है कभी इधर की कभी उधर की। बिल्कुल गवर्नर हाउस हर तरह के इकदाम के लिए तैयार है, दो ही सूरतें हैं ना कि वो या तो ये कहें कि जी एक तो हर सूरत में होना है आज 12 बजे के चीफ मिनिस्टर को वो रोकेंगे काम करने से और फिर कहेंगे कि आप ही चीफ मिनिस्टर हैं नए तक। दूसरा काम ये होगा कि वो ये काम ना करें बल्कि सिर्फ काम रोक दें और प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख लें कि यहाँ पे आईनी फंक्शनरीज अपने काम में नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा गवर्नर राज इन्फोर्स किया जाए और फिर उसके बाद वहाँ से सेक्रेटरी कैबिनेट जो है प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे सदर मुमलिकत के लिए एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर बना के भेजेंगे, सदर मुमलिकत उस पर हस्ब साबिक 14 दिन के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ चीफ मिनिस्टर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबको पता है। इनके अपने लोग अब ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी पंजाब की मशीनरी ने पुरानी तरह अहकाम मानने छोड़ दिए हैं सूबाई हुकूमत के। अब ये वो लोग हैं जो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं, हम फलां कर देंगे, हम ढिमका कर देंगे, मुझे कोई पता नहीं कि वो टक्कर के हैं या कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये मैं सब वो कर रहा हूँ बात जो वो लिख रहे हैं बोल रहे हैं, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं चाहे वो उनके सपोर्टर्स हैं, वो कोई लोग भी हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। ये बात नज़र आ रही है कि इन्होंने मौका खुद दिया, 6 दिन ना देते ये फौरन असम्बलियाँ तोड़ते, बस बात खत्म हो जाती कि जी एडवाइस ताज़ा बनाई है और ये मैं बैठा हूँ इनके साथ और मैंने भिजवा दिया, तो गवर्नर के पास कोई टाइम नहीं था। अब तो इन्होंने टाइम दिया, उन्होंने भी डबल खेला, उन्होंने ना सिर्फ एतमाद का वोट लेने का कह दिया बल्कि ये भी कहा कि जी उसके बाद अगर आपके पास चांस होगा तो फिर आप अदम एतमाद का सामना करेंगे। जाहिर है कि वहाँ पर 186 PMLN और उनके तहदियों को लाने हैं, तो उन्होंने उसका बंदोबस्त पहले से कर लिया और ये उस गेम लेकिन में बजाहिर आज तो सवाल है ये लोग कहां से लाएंगे खेली। जी जी ये पीडीएम आप लोग कहां से लाएगी, जाहिर है अब अगर वो कोई पार्टी से पीडीएम ने इसीलिए गेम नहीं की सामना होगा ये तो। हाँ देखे ना 186 तो तब लाएंगे ना जब अदम एतमाद की तहरीक पे जाएंगे। ये तो आज कह रहे हैं हमारे पास 187 लोग हैं, इन्हें वफाकी हुकूमत की ये चाल जीरो कर देनी चाहिए थी एतमाद का वोट लेके। अब इन्होंने रास्ता दिया है कि सब कुछ जीरो हो जाए, अदालतों में चले जाएं, फिर खेलें वहां पे जाके, फिर काम दोबारा गड़बड़ हो। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि अब गवर्नर अपने इस इकदाम से बाज रहेंगे कि वो वजीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए कह दें कि आपकी कैबिनेट अब आपके पास नहीं है, अब आप डे टू डे हैं जैसे उस्मान बुज़दार थे और उस वक्त फिर कोई नहीं मानता था, उस वक्त भी इस तरह की सिचुएशन थी, एक दफा फिर दोबारा वही होने जा रही है। या तो ये तोड़ देते मतलब और या फिर अदम एतमाद, जैसे आज एतमाद का वोट कहा था तो 187 लोग शो कर देते। बेशक ये कह रहे हैं कि जी वो जरदारी साहब की तरफ से इनकी खवातीन जो है पीटीआई की उनको ऑफर की गई है, तो ऑफर तो आजकल फौरन रिकॉर्ड हो जाती है, आपको पता है आजकल तो ऑडियो का जमाना है, आपको कोई बात करता है आपके पास मोबाइल मौजूद है आप रिकॉर्ड कर लेते हैं है। तो ये खवातीन पेश कर दें उन सबको, जनाब ये लोग थे ये 5 करोड़ की ऑफर कर रहे थे, मीडिया पे सुना देते, ये तो इन्होंने जराये से खबर निकाली है, खुला खुला बातें करें जनाब। अब तो लड़ाई आ गई है दूबदू, सिंध के लोग अगर यहाँ आके बैठ के और आपकी अब हालत ये होगी कि आप अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको पंजाब में दाखिला होने से रोके, मेरा ख्याल है फिर गल वो कहने ना कर रहा नहीं दियो। जी आया साहब कल ही आप बात कर रहे थे कि ये पुराना स्क्रिप्ट है, वही ड्रामे हैं, बस करेक्टर बदलते रहते हैं, तो अब ये जो हो रहा है एक नया सियासी ड्रामा, अब इसको नया कह सकते हैं हम आपके ख्याल में, या इसके करेक्टर चेंज हुए हैं, स्क्रिप्ट बदला है, ये होने क्या जा रहा है? अब वही बात है कि आम आदमी के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा, यही बुहरान है जो पैदा हो रहा है, अभी देखते हैं अब 23 को टूटती है या नहीं, मतलब ये एक काम है जो चलता रहेगा। यहाँ भी बड़ी मासूम है, ये सारे आम आदमी है जो ये कर रहे हैं, हम खास हैं, हम खास हैं है। इसलिए हमारे लिए ये सारा कुछ होता है। बच्चों वाली मुझे तो दुआ, अब ये सुबह से जाहिर है हर बंदा वो अपने उसके वो क्या कहते हैं जमजमे बहा रहा है अपने ख्यालात के, और जनाब कमाल मैं देख रहा हूँ लोगों के एक तरफ की बात सुने तो लगता है कि जी वो ये सारा गंद चूँकि इमरान खान साहब ने डाला था
और आज गवर्नर हाउस से या पीडीएम की तरफ से जो हो रहा है वो 100% ठीक है, वो दूसरी तरफ बिल्कुल गलत है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। जब ये उस्मान बुज़दार के बाद सिचुएशन पैदा हुई थी तो उस तरफ भी उस वक्त भी यही सिचुएशन थी। अच्छा, मज़े की बात है, हमारे जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं उनकी भी राय बदल जाती है हर सिचुएशन के बाद। मैं आज यही सोच रही थी, बहुत कमाल, मैं तो इस तरह इंजॉय करता हूँ ना इस सिचुएशन को। मैंने तो बहरहाल एक हल तलाश कर लिया का काम ही यही है, वकालत के पैसे लेने हैं। कानून मैंने, भी सियासी है। मैंने एक हल तलाश कर लिया है दुआ इस सारे मसले का। कोई एक ताकतवर शख्सियत होनी चाहिए चारों सूबों में और एक विफाक में होनी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है, वो चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं मुतल्लिका, वो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो वो एक बंदे को पकड़े, किसी को भी, मतलब इलियास साहब को पकड़ के ले जाएं, वो बिठाएं कैमरे के सामने, रिकॉर्ड कराएं कि जी वो पिछला वजीर आला फारिग हो गया है, आज से ये वजीर आला होगा और इसके बाद यही वजारत आला चलाएगा, और कोई हल नहीं है। क्योंकि ये हर दफा इसी तरह होता है, वो मंजूर भट्टू साहब के हवाला दिया जा रहा है, वो गवर्नर अल्ताफ के हवाले से एक फैसला जरदारी साहब ने कर दी, मतलब यार फॉर गॉड सेक वही कहानियां बार बार दोहराई जाती हैं। मतलब वो अब इल्ज़ाम इमरान खान पे लग रहा है कि जी वो मुल्क चलने नहीं दे रहा, उसने बड़ा गर्क कर दिया, जब ये कर रहे थे, जब उसको चलती हुई हुकूमत को डीरेल किया उस वक्त ये बिल्कुल ठीक कर रहे थे, आइन के मुताबिक कर रहे थे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे थे, जमहूरी तरीके से कर रहे थे। तब हम बहुत बेवकूफ लोग हैं लिटरली, हमें हर दौर में वो पता चला है किसी को हिमायत करनी पड़ती है, किसी बेचारे को मुखालफत करनी पड़ती है, क्योंकि और है ही किसी के पास हाल नहीं है ना। क्योंकि वो कभी किसी कोई वक्त था कि जब सहाफी हुआ करते थे, अब नहीं होते, आप पार्टियों के तर्जमान होते हैं। कानून के बारे में भी यही मैक्सिमम सेम कानून और आईन के माहिरीन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। एक पार्टी से एफिलिएशन है वो 100% वो कह रहा था जी ये ठीक है, दूसरी पार्टी की, मतलब ये बड़ा आज बात हो रही थी जी कि गवर्नर साहब ने कर दिया, वो कहते हैं जी गवर्नर कर नहीं सकता, फिर वो बात हो रही थी जी स्पीकर साहब खत लिख रहे हैं सदर को जी। अब मुझे कोई सिर्फ इतना समझा दे कि एक असेंबली का कस्टोडियन कौन होता है, स्पीकर होता है ना, तो सबसे ताकतवर तो उस शख्स को होना चाहिए, मतलब वो जो कह दे उसका फैसला आ जाना चाहिए। लेकिन हमने आइन अल्लाह के फजल से बनाया ही ऐसा हुआ है कि उसकी तशरीह किसी और ने करनी होती है। सही है, तो इसलिए आप बस देखा करें, इंजॉय किया करें। सही है, क्रिकेट मैच तो हम हार गए थे लेकिन ये तो देखें ना कि कौन जीता है, दोनों टीमें हमारी हैं। सही, अल्लाह के फजल से जो भी जीतेगी हम तो उसी टीम के साथ। हाफिज ताहिर साहब, दोनों टीमें हमारी हैं, जो भी जीतेगा हम तो उसी के साथ हैं, तो कौन सी टीम जीत रही है फिर आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, हम तो, मैंने जो आपसे दो तीन दिन पहले गुजारिश की थी जी मुझे याद है, जान ये इत्तलात लेके आया, वही हो रहा है जो उस शख्स जान ने बताया था, वही तमाशा चल रहा है, मजाक बने हुए हैं। और अब मुझे आप बताएं कि जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है, इसमें कौन है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, कौन है जो हमारे साथ आगे खड़ा होगा? हम खुद अपने दुश्मन है, हमारा कोई बाहर से दुश्मन नहीं है। बात यह है कि एक कानून और आयन है, उस कानून और आयन और जाब्ते के तहत जो है वो चलना चाहिए, कोई चलने को तैयार नहीं है। खान साहब कहते हैं मेरी बिना बहुत बड़ी है, सारा मुल्क जहां मर्जी जाए। मुझे आप बताएं कितने, ये बन्नू का जो वाकया हुआ है आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई आपको नजर आया है क्या? ये एक सानहा नहीं है कि इतना बड़ा वाकया था, उस सारी सूरत हाल में कितने आपको बयानात नजर आए कि जिन्होंने उसका जो नुकसान का अंदाजा अगर होता खुदा ना खास्ता तो कहां तक जाता कि अपने इदारों की किसी ने तासीन की हो, को अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ हो, किसी को फिक्र है कि क्या शुरू हो गया है दोबारा? कोई फिक्र नहीं है। हमें तो फिक्र है कि पंजाब में क्या तमाशा लगना है, मरकज में क्या तमाशा लगना है, मुल्क की मईशत का क्या किस तरफ जा रही है हमारे। आप ये अंदाजा लगाए, मैं हैरान हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेरिका में एक बात की इंडिया के खिलाफ, और भाई इंडिया के खिलाफ, वहां इंडिया में उनके खिलाफ बात हो रही है, यहाँ एक जमात के सोशल मीडिया उनके खिलाफ शुरू हो गया है। तो यार कोई कुछ तो ख्याल कर ले, हम कहीं तो खड़े हो जाएं।
लिहाजा ये तमाशा इसी तरह लगना है। ये तो अब आपको सख्त जान क्या कहता है वैसे हाफिज ताहिर साहब, पहले आपने कहा पंजाब असेंबली की हालात उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब वजीर अला पंजाब के बारे में क्या कह रहा है आपका सख्त जान? देखिए मेरे सख्त जान ने कहा था कि अदालतों में वही जाके तमाशा लगेगा, वही सिलसिला चलेगा। अब अदालतों की तरफ सारे जो है वो भागेंगे, वो कहेंगे हमारी हुकूमत है, ये कहेंगे हमारी आपकी हुकूमत खत्म कर दी है। तो बस ये यही जो अभी अयाज खान साहब ने कहा है ये तमाशा लगा रहेगा। और लेकिन कोई ये बात छोड़े ये कि किसी बड़े ने, मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब ही सबको बुला लें, चले वो भी तो इस मुल्क के एक बड़े हैं ना। जब नहीं हल हो रहा, ये सियासतदान नहीं आपस में बैठ के हल कर रहे, इनसे हल नहीं हो रहा मामला, ठीक चले चीफ जस्टिस साहब बुला लें कि यार खुदा का वास्ता आओ इस मुल्क को चले, वहाँ जजेस भी नहीं बैठ रहे आपस में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है सख्त जान दे वाले कर दी हुकूमत, ये मामला ही मसला ही हल हो जाएगा। जान ही है असल, सख्त जान से ही तो इमरान खान अपील करते हैं। मैं गुजारिश करूं, मैं खान साहब आपसे अर्ज करूं कि अभी मैं 4-5 दिन पहले आपके शहर में लाहौर में जो अंडा है वो 50 रुपए का बिक रहा है। एक मजदूर आदमी जिसके 4 बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, अगर वो देसी या वलायती बच्चे को सुबह ना सर वलायती देसी बिल्कुल आपकी बात नहीं, ना उनसे के अंडे ना खाए, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते अंडे। आप आज कहते हैं अंडे छोड़ दे, रोटी छोड़ दे, सालन लेकिन खाएं क्या, सब चीजें महंगी हैं, दाल रोटी भी महंगी है। सियासत करें ना, सियासत एंजॉय करें। फैसल साहब नहीं नहीं, केक खाएं, पुडिंग खाएं, सैर सपाटा करें, ये फैसला आ गया। अभी वो कर रहे हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, उस गरीब से पूछे जिसका बच्चा 2 टाइम की 3 फिक्रा मैं सही कर लिया मैंने। चले मैं नवीद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, आप जाहिर है ये तो अनाओं का खेल है, मुफादात की जंग, तख्त कि एक लड़ाई है। अब ये सारी सिचुएशन आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? दुआ मेरे ख्याल में अगर नंबर्स को देखा जाए तो नंबर्स तो बहुत क्लियर हैं कि जो पीटीआई है और उसके इत्यादी जो भी हैं उनके पास जो है वो नंबर्स पूरे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में और खसूसन जो एक थिएटर ऑफ द एब्जर्ड पिछले 6-7 माह से चल रहा है, उसमें तो जो फिर मुमकिनात हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो लामतनाई हैं। हमने देखा सेनेट के इलेक्शन में, सेनेट के जब संजरानी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई थी उस वक्त भी हमने देखा, फिर हम पंजाब में पिछले 6 माह से देख रहे हैं, 3 दफ़ा देख चुके हैं, अब 4थी दफ़ा जो है वो मामला चल रहे हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ जो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, उसमें हमने देख लिया किस तरह से वफादारियां बदलती हैं, किस तरह से चेहरे बदलते हैं, किस तरह से जो है वो घोड़े बदले जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पॉसिबिलिटीज तो लामतनाई हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो जो सफर कर रही है वो अवाम कर रही है, ये मुल्क कर रहा है। इस वक्त हमारे सारे सियासतदान जो हैं, सारी सियासी जमातें जो हैं वो अना के कैदी बन के रह चुके हैं। हर एक जो है दूसरे को जिज करने पे तुला हुआ है, हर एक दूसरे को नीचा दिखाने पे तुला हुआ है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। हमने देखा जैसे हाफिज साहब ने अभी अर्ज किया कि बनू में इतना बड़ा वाक्य हो गया, शायद ये एक किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता तो उस वक्त उस मुल्क में क्या सिचुएशन होती, लेकिन वहां बनू में जो है सीटीडी के पुलिस स्टेशन पे एक हॉस्टेज सिचुएशन है, और हमारे वजीर आजम जो हैं वो बैठ के अर्जेंटीना और फ्रांस का मैच देख रहे हैं और ट्विटर पे जो है वो बकअप कर रहे हैं। वही यानी उस सूबे में जो है वो इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है और उसके चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टरान जो हैं वो बैठे हुए हैं जमान पार्क में, वही यानी इतनी क्राइसिस के बावजूद इस तरह की सिचुएशन जहां पे तो सारा मुल्क एक साथ खड़ा हो जाता, लेकिन हमने देखा कि हर एक वही अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर, हमने ये देखा कि इंस्टेड ऑफ ये कि पुलिस को बकअप किया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को बकअप किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो अजीब व गरीब किस्म की जो है वो ऑडियोज लीक हो रही हैं और उसको फिर ट्रेंड बनाया जा रहा है। और अब भी ये 2 दिन में आप देख लें कि स्टॉक मार्केट तकरीबन 1600 पॉइंट जो है वो नीचे गिर गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक
नहीं रिंग रही, नहीं नहीं रिंग रही है, वो कहते हैं इमरान खान ने असेंबली में जो ऐलान किया है सफर कर रहा है, वो आप कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, वो अवाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जी, बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, अनाओं का खेल और हर किसी को अपने मफादात की है कि हमारी कुर्सी बढ़ जाए, हमारी सियासत बढ़ जाए, और ये गेम और इसमें आम आदमी तो बिल्कुल ही फरामोश कर दिया इन सियासतदानों ने, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी को भी इन सियासतदानों को भुला देना चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएँगे, यहीं से कॉन्टिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पंजाब में संगीन आईनी बहरान की। जाहिर है बहुत बड़े बड़े सवालात हैं कि अब आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में किस तरह के फैसले सामने आते हैं कि वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला रहते हैं या नहीं, पंजाब असम्बली होती है या नहीं, और कुछ ही दिनों में ये भी फैसला होगा कि पंजाब असम्बली और KP 23 दिसंबर को तहलील होगी या नहीं। फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह पहले सवाल रखा एक्सपर्ट्स के सामने, अब आपके ख्याल में आप क्या देख रहे हैं, अब पोलिटिकल स्नैरियो क्या हो सकता है, अब CM रहेंगे या नहीं, और पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब आपको लगता है कि 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तोड़ सकेंगे? जी फैसल साहब मुराकबे में गए, कल तक तो यही हुकूमत थी ना जो चैलेंज कर रही थी कि हुकूमत को जो है वो हम तहरीक इंसाफ को जो है हम रिजाइन कर दें, अब वो तहरीक इंसाफ रिजाइन, अच्छा ये इस पे और हम आप तो सभी मुतफिक है ना कि तहरीक इंसाफ को रिजाइन नहीं करना है, इमरान खान साहब ने रिजाइन नहीं करना, वो तो ऐसी कार्ड खेल लें, हम और आप मुतफिक है तो फिर हुकूमत जिनने सारा जोर क्यों लगाया हुआ है कि वो जो है ये तहरीक इंसाफ जो असेंबली ना तोड़े, हमने तोड़नी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कौन किसके खिलाफ क्रिएट कर रहा है, समझ में आ रहा है किसी के, इतना कंफ्यूजन है यकीन करें किसी के तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या, मैंने तो खुद सुबह अमित साहब को कॉल करके पूछा वो क्या रहा है, थोड़ा समझा तुझे, यकीन करें आप पूछ, इनसे फोन करके पूछा, फिर क्या बताया इन्होंने, नहीं इन्होंने बताया कि तो नहीं उसने ऐसा मतमान पेश कर दिया, उसने मजीद कंफ्यूज किया है ना, एक मजाक, यकीन करें मजाक, अच्छा आप एक बात बताए, एक कहते हैं कि वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन्होंने इजलास भी बुलाया, और भाई वजीर आला के खिलाफ कैसे कार्रवाई करोगे, वजीर आला ने खुद असेंबली में करके इजलास बुला ले, अब देखें ये है लाख नया कानून दानिक पैदा हुआ है जी जी स्पीकर ने इजलास बुलाना है, स्पीकर ने सदारत करनी है, इजलास मुलतवी किसने किया है, वजीर आला ने किया है, स्पीकर ने किया है, तो वजीर आला के खिलाफ जो आप किस बुनियाद पे जो आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन राणा साहब जवाब दो, लिहाजा गवर्नर फारिग, आप स्पीकर कह रहे हैं गवर्नर फारिग, आप सुन तो लेना, अब आप ये देखें यकीन करें कि मामला किसी के समझ में नहीं आया, सुबह से सारे चैनल ने आपसे कहा था ना कि सुबह से सारे बुखरा शुक्रा सब बैठ गए, आप भी बैठे हुए थे आज, आप क्या थे आज, आप भी बैठे हुए थे यार सारा दिन, अब आप बता दें आप कौन है, इन्होंने ग्रीन रंग का प्याला पिया हुआ, देखें इसमें मैं और नवेद साहब नहीं थे सिर्फ, आप सब लोग तो थे, फैसल ने ग्रीन रंग का प्याला पिया है हमारे समझ आने के बाद, अलमिया है ना मीडिया का अलमिया है ना, आप मुझे एक बात बताइए कोई इशू है कि परवेज इलाही साहब वजीर, परवेज इलाही साहब कौन है पाकिस्तान के, या इमरान खान साहब कौन है, इनके वजीर आला इमरान खान से पाकिस्तान में कुछ क्या हो जाएगा, इससे पहले सूबे का कौन वजीर आला, क्या इशू है, क्या क्या अच्छा बताए वजीर आला की मौजूदगी में क्या हो रहा था और ना होने से क्या हो जाएगा, इन्होंने पाकिस्तान को कोई आर्टिफिशियल चैलेंजेस का मरकज लेबर काउंसिल लगा देंगे कि कुछ आम आदमी के लिए नहीं बताया ना, आप मुझे एक बात बताएं, ये हम आप जो है जो इतना बड़ा इस मुल्क में डिजास्टर हुआ है कि 8 लाख नहीं वो इस मुल्क से चले गए, इल्म चला गया, सलाहियत चली गई, डिग्री चली गई, इल्म चला गया, यार तुम भी चले जाते हमारी भी जान छुट जाती, खाम खास बाकी लोगों का रोना लेके बैठ गया, परवेज इलाही के ऊपर जो है बैठ के प्रोग्राम करे, हम इमरान खान पे बैठ के प्रोग्राम करे, इनका इनकी जंग है, इनको लड़ने दो, हम और आप क्यों फरीक बन रहे, मेरा इशू तो महंगाई है, मेरा इशू तो पंजाब की हुकूमत नहीं है, मेरा इशू ये है कि मैं बच्चों की फीस नहीं दे सकता, मेरा इशू ये मैं अपने पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता, तो ये अपनी अपनी नहीं, तो ये कौन करेगा, ये कौन करेगा आके, इन्हीं में से कोई करेगा ना यार, भाई डाकखाने के सामने बैठो, यहाँ क्या करने आए हो, जो जीत रहा है ये दोनों नहीं करेंगे, वफाक में तो जीतने वाला है, हारने वाला है, वफाक में बैठा है, सुबह में बैठा हुआ है, हम लोग अपने दुश्मन खुद है, आप यकीन करें जब तक हम लोग अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं, हम अपनी कौम के दुश्मन है,
हम अपने बच्चों के दुश्मन है, हम अपनी आने वाली नस्ल। भाई आप होंगे, हम नहीं है। ना 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 ना, इसमें हमें शरीक जुर्म मत करो। इस मामले में आमिर साहब को मानता हूँ, ये वाकई नहीं है, सबका इकराफिया नहीं है, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं आपकी इन बेवकूफियों के साथ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सबका इकराफिया, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ। लूटने वाले तो थोड़ी है, लूटने वाले थोड़ी दुश्मन है, हम दुश्मन है, गरीब आदमी आम आदमी। देखें ट्रैक बदल दूंगा इसका, आधे मिनट में सारी तकरीर भूल जाएगा। वो दुश्मन है यार, तुसी सवेर दे थके नहीं आपस कर कर के? नहीं थकने का इशू नहीं है, शुगर लगा है। हाँ जी जी जी, फैसल साहब कंप्लीट कीजिएगा। नहीं हम जो बात करेंगे ना आम आदमी की, तो तबका इख्तलाफिया को तकलीफ होती है। अभी देखिए अमित साहब को तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही? आप अपनी ईमानदारी से बताएं, दुआ आपको आपको आखिर में जवाब दे रहा। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तकलीफ तो न्यूट्रल हूँ फैसल साहब, मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो वाला न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल जी। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना आमिर साहब, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये है सबका इख्तलाफिया, बाकी एंजॉय कर रहा है सबका इख्तलाफिया, मैं और आप रो रहे हैं भाई। जाहिर है इस तरह के सिलसिले में आज लोग तकरीर करेंगे तो बंदा एंजॉय करे ना अपने आप को बीमार करने की बजाय। एंजॉय कर रहे हैं, ये सबका इख्तलाफिया, फुलान सबका एंजॉय कर रहा है, आम आदमी का मजाक क्यों उड़ा रहा है भाई? उन आठ लोग, आठ लाख लोगों में आप चले क्यों नहीं गए साथ यार? फैसल साहब तबका इख्तलाफिया के लिए बता दें आप, ये पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल होगा क्या? अरे मैं कह रहा हूँ, ये पंजाब असेंबली जब मौजूद थी तो वो क्या रहा था? नहीं है यार, इस बात को समझो, ये पाकिस्तान का जो आई नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता हो या ना हो, सवाल का जवाब है ही नहीं इनके पास, क्या हो गया? ये आईन नहीं है, मेरा इशू नहीं होना चाहिए, होगा क्या? ये आईन मुझे, मेरे घर को, मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं दे रहा, ये आईन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है इस मुल्क में, जिस मुल्क में बलदियाती निजाम ना हो। आर्टिकल 6 लगेगा आईन के खिलाफ बोलने पे। हाँ तो आज आर्टिकल वो भी हमारे खिलाफ ही लगेगा, लगा सकते भाई आप, तब ताकतमंद लोग हो, तब का इख्तलाफिया हो, हमेशा गरीब लोगों के साथ जहन में रख लें अब आप। सही है, सही, आप समझते हैं कि पंजाब असेंबली टूटे ना टूटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी को ये हुक्मरान रिलीफ देने में नाकाम है। एक बात सुन ले खाली, एक बात जी, हमें आपको सबसे ज्यादा शोर मचाना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था कि पंजाब में बलदियाती निजाम क्यों नहीं है, किसी ने किया? ये था जुल्म, ये जुल्म नहीं है कि परवेज लाई रह गए या नहीं रहेंगे, जुल्म ये है कि वहाँ बलदियाती निजाम नहीं है, ये जुल्म है गरीब आदमी, उस पर हम आप बात नहीं करते। आप क्यों बुरा नहीं मानिए, मैं सच्ची बातें करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने क्यों बुरा मानना है, वो तो हमेशा बुरा मान लेते हैं, आपकी बात बात कर रहे हैं आप, ये छोड़े नहीं अगर बात होगी, एक सियासी बाबा बात कर रहा है उसको कौन बुरा मानेगा? देखिए आमिर साहब बुरा मानने तो समझने में आप पर, इनका बुरा मानना मेरे हक पे होने की दलील है। अरे भाई मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। चले यार नवेद साहब, आप तो कितना जान में बिठा के नहीं देना चाहिए था, और नवेद साहब सोच रहे होने मैं कितने फंस गया आज। फैसल साहब आपका पॉइंट, चंगा भला स्कूल ना स्कूल प्रोग्राम खरीदा हुंदा सी, एक्सचेंज फ्यूचरे सामने इथे कचरी बिक रही है। यार सर क्या खबरें हैं, जरदारी साहब भी जाहिर है मुतहरिक रहे हैं पंजाब में, इस वक्त सारे गहरी नजर रखी हुई थी, तो अब आपको क्या मुस्तकबिल लग रहा है पंजाब? इस वक्त जो पंजाब की जो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल फेडरल गवर्नमेंट की भी सारी जो फिगर्स हैं वो मुतहरिक हैं, देख लें जरदारी साहब अभी भी मीटिंग्स कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब तो गए हुए थे आज दौरे पर, लेकिन उनकी जो सारी टीम है, राणा सनाउल्ला है, मलिक अहमद ख़ान हैं, अताउल्ला तारड़ वगैरह, वो सब लगे हुए हैं, और गवर्नर हाउस में मीटिंग अभी भी जारी है, और इसके लिए वो जो है वो देख रहे हैं कि समरी को किस तरह देखा जाए, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर देखा जा रहा है कि उन्होंने बहरहाल आज रात तक ये सारा देख लें, इस सारे इशूज़ को ख़त्म करना, वाइंड अप करना है, कि ताकि जो पंजाब में CM को है वो चेंज किया जाए, क्योंकि वो ना 23 तारीख को फिर दोबारा तो एक खबरें सही है, नए नाम आ रहे हैं, लोगों ने शेरवानियां बनवा ली हैं, वो तो साथ साथ सारे हर वो नाम हो रहे हैं, वो तो सबसे होते हैं, वो तो सबसे ज्यादा सारा साडा भी चला दो नाम इस तरह, वो तो नाम तो सारे सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम तो ये देख रहे हैं गवर्नर साहब अभी गवर्नर हाउस से निकले हैं और क्रिसमस की एक तकरीब पर गए, बाकी वो सारी टीम बैठी हुई है और वो बैठ के देख रही है कि किस तरह इसको असेंबली को किस तरह किया जाए, ताकि कल ये कोर्ट में भी इशू जाना है तो ताकि वहाँ भी उसको डिफेंड कर सकें। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म चलेगा, 5 रोज़ा मैच है, ये लंबा चलेगा और कोर्ट में जाके ख़त्म होगा, क्योंकि इसको सारा इधर से करना है। वो दूसरी तरफ से भी ये भी देख रहे हैं
के बैठे हुए मुनस साहब जाके उन्होंने अब कहा है कि आके मुझे सील करें प्राइम इसको सीएम हाउस को, और वो भी देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह उन्होंने असम्बली तोड़नी है, असम्बली तैयार करनी है ताकि ये इशू को देखें। ये ना हो कि वो कहें जी अभी नहीं तोड़ सकते ये, क्योंकि कल फिर एक दफ़ा सब इन्होंने इकट्ठे होना है, पीटीआई वालों ने एहतजाज करना है और 23 को एक दफ़ा फिर मैच जो है वो असम्बली के अंदर लगेगा। आपको पता पंजाब असम्बली में पहले भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, लेकिन ये असम्बली के अंदर जाते हुए इस दफ़ा मुस्लिम लीग वालों को बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अंदर जाके फिर एक दफ़ा इशू ना हो असम्बली के हॉल के अंदर, लड़ाई मार धाड़ ये वो जो तरीके हैं वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी इनको कि ये ना, क्योंकि इसलिए तो असेंबली ओएसडी होने जा रही है। देखें इसलिए तो ये सारी चीजें देख रहे हैं क्योंकि इनके 180 हैं उनके 190 हैं, तो ये अराकीन कम नहीं है। अगर लड़ाई हो तो बड़ी ठीक ठाक, जैसे ये आवाम के साथ कर रहे हैं इनके साथ असेंबली में होगी अगर ये जाएंगे तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें देखते हैं कि कौन किसको खत लिखता है। देखें स्पीकर साहब अब लिख रहे हैं कि मिसकंडक्ट मेरा गवर्नर के बारे में, वो असेंबलियां जो तैयार हुई है ना जैसे ताश के पत्ते नहीं फेंट फेंट लेते उसके पता ही नहीं चले कि उस तो बाद जड़ी निकल आए वो देते फैसला कर। तो आया साहब वैसे अब इससे जो बार बार हम बात भी यही कर रहे हैं, आप किसके हक में ये पलड़ा भारी देख रहे हैं, पीडीएम के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? और 23 दिसंबर को खासतौर पर जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है, आप देख रहे हैं कि असेंबलियां टूटेंगी केपी और पंजाब की? मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूँ पाकिस्तान की अदलिया के हक में ये देख रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर इस सारी सिचुएशन में वही नजर आ रही है अदलिया। उसकी वजह यह कि सियासतदानों ने खुद तो कुछ करना नहीं है ये सारा कुछ करके, और वो हाफिज साहब कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब कर लें, वो चीफ जस्टिस साहब का फैसला एक तरफ होता है तो वो दूसरी पार्टी नाराज हो जाती है, दूसरी तरफ जाता है तो पहली पार्टी नाराज हो जाती है। बेसिकली हमने बड़ी असल में सख्जान कहा है, अच्छा बड़ी मेहनत वो अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर सख्जान खुद ले लेना चीजें अपने हाथ में फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमने बड़ी मेहनत करके बड़ी मुशक्कत करके ये अपनी हालत ये बनाई है, इदारों की बेतकीरी, उन पे अदम एतमाद, ये तहरीके एतमाद की तहरीक और अदम एतमाद की तहरीकें जो है ना ये अब बेमानी हो चुकी हैं क्योंकि हमें किसी पे एतमाद ही नहीं है। और जब हालात इस तरह खराब हो जाए और ये सियासतदानों को ये इतने समझदार हैं कि इनको इस बात की समझ ही नहीं आती कि इनके साथ हो क्या रही है, मतलब वो अपना तमाशा बनाने को बड़ा एजाज समझते हैं तो तमाशा बनते रहे और इनको एजाज मिलता रहे, आपको क्या एतराज है? सही है जो, और एजाज तो कोई भी हो चाहे तमाशा बनने का या क्या हो तो वो तो फिर एजाज लेना तो बड़ी अच्छी बात होती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद हुसैन साहब, अगर पीडीएम आपके ख्याल में एतमाद और तहरीक अदम एतमाद के खेल में कामयाब नहीं हो सकती तो फिर क्या आप देख रहे हैं कि 23 दिसंबर को इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी और पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे? देखें दुआ, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जो खान साहब अभी अयाज खान साहब कह रहे थे कि जो आपने क्वेश्चन उनसे पूछा था कि होगा क्या, तो बेसिकली अगर आप देखें कि इमरान खान साहब ने जब असेंबली रेजोल्यूशन की डेट दी थी और उस दिन जो है वो केपी और पंजाब के दोनों चीफ मिनिस्टर उनके दाएं बाएं बैठे हुए थे और उसके बाद जो है उन्होंने पिंडी का एक चक्कर लगाया और पिंडी का चक्कर लगा के आने के बाद उन्होंने जो एक धुआंधार किस्म की गुफ्तगू की और इसमें जो उन्होंने इमरान खान साहब को सबका आर्मी चीफ के खिलाफ जो भी उन्होंने बातें की थी उस पर आड़े हाथों लिया, तो उसके बाद उन्होंने एक बात और भी बड़ी जो है वो मीनिंगफुल कही, वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलियां डिसॉल्व हों, वो चाहती है कि ये सेटअप जो है ये कंटिन्यू करे। तो अब ये कहना कि जी अब क्या होगा, तो मेरे ख्याल में ये इसको चौधरी परवेज इलाही साहब के इस बयान को इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो असेंबलियों की रेजोल्यूशन को देखा जाए। इमरान खान साहब अगर तो वो संजीदा थे, वो असेंबलियों को तोड़ना चाह रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसी दिन जो है वो कह देते और जो है पीडीएम को टाइम देने का कि ये आपने बीच में उनको 5-6 दिन का टाइम दे दिया, तो ये टाइम देने का क्या मतलब था? तो ये भी सवाल इस पे भी उठाए जा रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब असेंबलियों को डिसॉल्व करने में संजीदा थे, क्या ये टाइम जो था उन्होंने इस वजह से दिया कि पीडीएम तैयारी कर ले और ये
मामला जैसे कि इलियास साहब ने कहा कि ये अब जाएगा एंड में अदालतों में, तो क्या उन्होंने जानबूझ के ये टाइम दिया कि पीडीएम जो है वो एक काउंटर मूव करे और फिर ये बात जो है वो अदालत तक चली जाए? तो मुझे ये अगेन सवालात यही उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाया जा रहा है, ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की शायद जो है वो पीडीएम के साथ कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो रही हो। ठीक है, चलिए मैं यही सवाल आगे लेके जाऊंगी। नवीद साहब वक्त कम है, मैं चाह रही थी कि हाफिज ताहिर साहब का भी और दीगर एक्सपर्ट्स का भी टेक ले लूं। हाफिज ताहिर साहब, जिस तरह नवीद साहब कह रहे हैं वाकई ये बातें तो हो रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब और नून लीग के दरमियान कोई बातचीत चल रही है? देखिए, मैंने पहले भी एक बार किया हमेशा कि ये जो सियासी जमातें होती है इनके दरमियान गुफ्तगू तो बंद नहीं होती है, लेकिन क्या इस मौजू पे बातचीत हो रही है नहीं हो रही है इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये तो हकीकत बात है कि सियासी जमातों के दरमियान आपस में बातचीत जारी रहती है और होनी भी चाहिए, बंद भी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब एक वायद है जिसमें कहते हैं मैंने किसी से बात नहीं करनी। बाकी तो देखें, अगर चोई शुजात साहब से रबते में हैं लोग, उधर परवेज इलाही साहब भी रबते में हैं, तो कोई ना कोई रास्ता। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये अभी नवीद साहब जो कह रहे थे, ये सख्त जान ने आपको उस दिन बता दी थी जिस दिन खान साहब ने ऐलान किया था कि भाई ये अदालतों में ले जाएंगे और ये सिलसिला होगा, और ये चीजें खान साहब को पता थी। अगर तोड़नी होती असेंबली तो फिर उसी दिन तोड़ देते। आमिर साहब, अगर इमरान खान साहब संजीदा नहीं है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो उसके बाद नहीं टूटती उनकी तारीख जो अनाउंस डेट है, तो उनका बयानिया फिर कहाँ स्टैंड करेगा? मुख्तसर जवाब दीजिएगा, वक्त कम है, मैं फैसल साहब का भी टेक लेना चाहूंगी। जी, बात सिंपल सी है, वो खेलने और ना खेलने की बात करते हैं। वो ऑडियो में भी यही बात कर रहे थे आजम खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। उनका काम है कि वो बचे रहें, लोग फंसे रहें। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का मतलब है कि आज शिकस्त तस्लीम कर ली, आज से ही शुरू कर दिया है काम। और साथ हमारे यहाँ टिकर अभी चल रहा था कि हमजा शहबाज की वापसी शुरू है। बात सिंपल सी है कि इन्होंने टाइम अपने हाथ से खुद निकाला है। चाह ये रहे थे कि कोई किसी तरीके से इनकी बात सुन ले, वो इनकी कोई बात नहीं सुन रहा। इनको समझा दिया गया है, ये समझ नहीं रहे, ये पाकिस्तान की मईशत से खेलने के लिए लग गए हैं। इन्होंने केपी का चीफ मिनिस्टर यहाँ अपनी हाजिरी पे ला के बैठा लिया है। गार्ड्स जो इन्होंने सिक्योरिटी वहां करनी थी वो इनकी सिक्योरिटी पे मामूर है, लिहाजा जवाब इनसे लिया जाएगा। सही जी, फैसल साहब यही सवाल, अब अगर ये नहीं टूटती तो फिर इमरान खान साहब का सियासी बयानिया कहां ये तो खड़ा है? एक आम फहम आदमी भी ये कह रहा था ना कि इमरान खान बेवकूफ बना रहे हैं कौम को भी और लोगों को भी, कि उन्होंने असेंबली तोड़नी नहीं है वरना ये 6 दिन का टाइम नहीं देते। ये बात हर इंसान के समझ में आ रही थी, हुकूमत की समझ में नहीं आई ये बात क्या क्यों वो हुकूमत जो कार्ड कर रही है वो किस लिए खेल रही है? हुकूमत क्या चाह रही है, तोड़ना चाह रही है रोकना चाह रही है? जब तक उन्होंने ऐलान नहीं किया था तो कहते थे कि ये असेंबलियां तोड़ दें। अब जब वो असेंबलियां तोड़ रहे नहीं तोड़े, अब हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि असेंबलियां ना टूटे, तो हुकूमत खुद क्या चाह रही है? दोनों एक ही उसमें थाली में एक ही। ठीक है फैसल साहब, मेरे पास वक्त भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।